हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द यूट्यूब डिजिटल क्लासरूम ऑफ लालबाग गर्ल्स इंटरमीडिएट कॉलेज। मैं मिसेस एन सिंह, क्लास 12। आप पढ़ रहे हैं फोर्थ चैप्टर, थिंकर्स, बिलीव्स एंड बिल्डिंग्स। लास्ट वीडियो में आपने पढ़ा सांची के स्तूप के बारे में, जिसमें बुद्ध के अवशेष सुरक्षित रखे गए। इस युग में यज्ञों का बौद्ध और जैन धर्मों में विरोध किया गया। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे यज्ञ और विवाद, यज्ञों की परंपरा, नए प्रश्न, वाद विवाद और चर्चाएं। सबसे पहले हम जानेंगे यज्ञ और विवाद के बारे में कि ईसा पूर्व प्रथम सहस्त्राब्दी का काल विश्व इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ माना जाता है। इसी काल में अनेक विचारकों का उद्भव हुआ, जिसमें ईरान में जरथुस्त्र जैसे चिंतक, चीन में फुंगत्सी, यूनान में सुकरात, प्लेटो, अरस्तु और भारत में महावीर, बुद्ध और अन्य चिंतकों का उद्भव हुआ। उन्होंने जीवन के रहस्यों को समझने का प्रयास किया, साथ साथ वे इंसानों और विश्व व्यवस्था के बीच रिश्ते को समझने की कोशिश कर रहे थे। यज्ञों का विरोध इस युग की पहचान बन गया था। पूर्व वैदिक परंपरा, जिसकी जानकारी हमें 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व में संकलित ऋग्वेद में मिलती है। ऋग्वेद में अग्नि, इंद्र, सोम आदि देवताओं की स्तुति का संग्रह है। यज्ञों के समय मंत्रोच्चारण किया जाता था और लोग मवेशी, बेटे, स्वास्थ्य और लंबी आयु आदि के लिए प्रार्थना करते थे। यज्ञ विधि विधान जटिल हो गए थे, जिससे यज्ञ करने वाले ब्राह्मणों की महत्ता भी बढ़ी। राजसूय और अश्वमेघ जैसे जटिल यज्ञ सरदार और राजा किया करते थे। अब हम जानेंगे कि किस प्रकार से विचारकों द्वारा नए प्रश्न उठाए गए। उपनिषदों, जो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में पाई गई विचारधाराओं से पता चलता है कि लोग जीवन का अर्थ, मृत्यु के बाद जीवन की संभावना और पुनर्जन्म के बारे में जानने के लिए उत्सुक थे। क्या पुनर्जन्म अतीत के कर्मों का कारण होता था? ऐसे मुद्दों पर बहस होती थी। वैदिक परंपरा से बाहर के कुछ दार्शनिक यह सवाल उठा रहे थे कि सत्य एक होता है या अनेक। लोग यज्ञों के महत्व के बारे में चिंतन करने लगे। वाद विवाद और चर्चाओं के जरिए समकालीन बौद्ध ग्रंथों में हमें 64 संप्रदायों या चिंतन परंपराओं का उल्लेख मिलता है। इससे हमें जीवंत चर्चाओं और विवादों की एक झांकी मिलती है। शिक्षक एक जगह से दूसरी जगह घूम घूम कर अपने दर्शन, विश्व के विषय में अपनी समझ को लेकर एक दूसरे से और सामान्य लोगों से तर्क वितर्क करते थे। इसमें से कई शिक्षक, जिसमें महावीर और बुद्ध शामिल हैं, वेदों के प्रभुत्व पर प्रश्न उठाते थे। उन्होंने यह भी माना कि जीवन के दुखों से मुक्ति का प्रयास हर व्यक्ति स्वयं कर सकता था। यह समझ ब्राह्मणवाद से बिल्कुल भिन्न था। जैसा कि आपने लास्ट चैप्टर में पढ़ा कि ब्राह्मणवाद यह मानता था कि किसी व्यक्ति का अस्तित्व उसकी जाति और लिंग से निर्धारित होता था। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, लौकिक सुखों के आगे महावीर के संदेश, जिसको हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।